थाना सहसपुर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहाँ एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की संयुक्त टीम ने सहसपुर स्थित संजीवनी रिजॉर्ट में छापेमारी कर कार्रवाई की। मौके से अवैध व्यापार संचालित कर रहे 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 15 पीड़िताओं को रेस्क्यू किया गया। साथ ही पुलिस ने मौके से 573 ग्राम अवैध चरस बरामद किया। एक अनैतिक देह व्यापार की सूचना कल हमको मिली थी, उसमें एसपी सिटी एसपी देहात दोनों के नेतृत्व में और दोनों के टिकट परिवेक्षण में, साथ ही साथ हमारे एसपी सॉरी सीओ डालने वाला है अभिनव, उसके नेतृत्व में टीम ने काम किया। उसमें 6 लोगों की अरेस्टिंग हुई है, 6 लोगों का 3 लोगों की अरेस्टिंग हुई है, जिसमें से 2 फरार हैं। होटल रिजॉर्ट वो संजीवनी रिजॉर्ट वो उसकी उनकी अरेस्टिंग शेष है। इसमें मौके से हमको लगभग लगभग 573 ग्राम चरस, इसका अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत जो है 57,000 आकी गई है, वो बरामद हुआ है। 4 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं, 7 अनयूज कंडोम और 2 यूज कंडोम बरामद हुए हैं। इसमें 15 युवतियाँ, ये आपके चंडीगढ़ और जीरकपुर के वहीं के रहने वाले हैं, वो उनसे पूछताछ की जा रही है, वो इसमें जो है पीड़िता हैं। और इसमें 2910 रुपया नकद बरामद हुआ है। जो रिजॉर्ट का जो विजिटर रजिस्टर है उसमें 7 तारीख के बाद कोई एंट्री नहीं है, और इसमें फर्दर जांच कर रहे हैं, जरूरत पड़ने पर जो है इस रिजॉर्ट को हम लोग इसको सील भी कर सकते हैं। सर, ये पहले भी क्योंकि ये क्षेत्र जो है